नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने इसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से टीके नहीं खरीद सकेंगे, उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। हर अस्पताल एक महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक खरीद सकता है, इसका भी फॉर्मूला केंद्र सरकार ने निकाला है। निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसतन निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। बता दें, अस्पतालों के लिए जो अभी टीकाकरण अभियान में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और जिनका पहले से वैक्सीन की खपत का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर वैक्सीन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल अधिकतम 3000 खुराक का आदेश दे सकता है, जबकि 50 से 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 6000 खुराक तक और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 10000 खुराक तक का आदेश दे सकता है। एसओपी दस्तावेज में कहा गया है कि निजी टीकाकरण केंद्र एक महीने में 4 किस्तों में वैक्सीन का ऑर्डर दे सकता है। दरअसल दस्तावेजों में कहा गया है कि वैक्सीन खरीद के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोविन पर खरीद आदेश को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा। एक बार डिमांड प्रस्तुत करने के बाद निर्माताओं को देने से पहले जिले और राज्यवार संख्याओं को कोविन एकत्रित करेगा। निजी केंद्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पोर्टल पर वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा। बता दें कि इससे पहले नियम ये था कि 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते थे और 75% केंद्र अपने हिस्से में रखता था। आपको बता दें, सरकार इन दिनों वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। सरकारी अस्पतालों में जहां बड़े पैमानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो प्राइवेट अस्पतालों में तय कीमत देकर टीका लगवाया जा रहा है। ऐसे में सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों को उनकी क्षमता के अनुरूप टीका देगी। जून महीने में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी देखी गई। 1 जून से 27 जून तक देश में करीब 10 करोड़ 8 लाख खुराकें लोगों को दी गई। औसतन एक दिन में करीब 40 लाख खुराकें लगी। हालांकि सरकार प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य साधकर चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।